आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। सितारगंज एसडीएम तुषार सैनी ने राजस्व सिंचाई और वन विभागों की टीम के साथ सिड़कुल शक्ति फार्म के बीच से होकर बहने वाली सूखी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आगामी बरसात के मौसम को लेकर क्षेत्र की नदियों में जलभराव से नगर क्षेत्र को कोई नुकसान न हो, इसको लेकर प्रशासन द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी। एसडीएम तुषार सैनी द्वारा राजस्व सिंचाई व वन विभाग की टीमों के साथ सिड़कुल शक्ति फार्म के बीच से होकर बहने वाली सूखी नदी का निरीक्षण किया और जहां जहां नदी में जलभराव के कारण क्षेत्र को नुकसान हो सकता है उसका जायजा लेते हुए बरसात से पहले रिवर ट्रेनिंग के माध्यम से नदी की सफाई को लेकर मुआयना किया। दरअसल हर वर्ष बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने से शक्ति फार्म क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में जब एसडीएम तुषार सैनी से बातचीत हुई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये हमारे साथ सिंचाई विभाग की टीम है, वन विभाग की टीम है और खनन अधिकारी हैं, राजस्व की टीम है। जो सिंचाई विभाग की टीम है इसी के द्वारा जो है जो मानक है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद राजस्व की टीम इसमें भूमि को आइडेंटिफाई करेगी और फिर हम रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।